So today we discuss about the grouping of cells and the very important topic. ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में पहले हम लोग लेके चल रहे हैं डिफरेंट सेल्स, उसके बाद उनको लेके चलेंगे हम लोग आइडेंटिकल सेल्स के बारे में. तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द टू सेल्स आर इन सीरीज. दीज आर द टू सेल्स, देयर ईएमएफ्स आर ई1 ई2, आर1 आर2. These are the internal resistances. I is the current. Now, VAB means VA minus VB equals to E1 minus IR1. Similarly, VBC, VB minus VC, E2 minus IR2. Now complete निकालना चाहिए तो VAC, VA minus VC equals to VA minus VB plus VB minus VC. सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, इट इज इक्वल ई1 माइनस IR1 प्लस ई2 माइनस IR2 और VAC इक्वल टू ई1 प्लस ई2 माइनस IR1 प्लस R2. अगर इन दोनों की जगह हम एक इक्विवेलेंट सेल ले लें, ईएमएफ ई हो और इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो, देन वीएसी इक्वल्स टू ई माइनस आईआर. कंपेयर थर्ड एंड फोर्थ. व्हेन वी कंपेयर थर्ड एंड फोर्थ, ई मिलेगा E1 plus E2 और R मिलेगा R1 plus R2. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में EMF एल्जेब्रिक सम एंड रेजिस्टेंस आपको पता ही, सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो जाया करता है R1 plus R2. अगर टू सेल्स आर कनेक्टेड इन अपोजिट ऑर्डर, इट इज कॉल्ड सेम ऑर्डर. एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से एंड सो ऑन, दैट इज द सेम ऑर्डर. और पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड हो तो उसे कहते हैं अपोजिट ऑर्डर. इफ ई1 ग्रेटर देन ई2, देन नेट ईएमएफ मिलेगा ई1 माइनस ई2 एंड रेजिस्टेंस लेकिन एड ही होगा, वो सब्ट्रैक्ट मिलेगा. अपोजिट ऑर्डर में है तो ये मैं सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, रेजिस्टेंस तो फिर भी ऐड ही होगा. ये था सीरीज कॉम्बिनेशन. नाउ डिस्कस अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स आर इन पैरेलल. Cells are in parallel. These are the two cells. Their EMFs are E1, E2. Internal resistances are R1, R2. I is the current dividing two parts. There are two possible paths, that's why current will divide. I1, I2, and it is I.
और आपको पता है करंट की कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी हुआ करती है. सो आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू. पैरेलल में पोटेंशियल सेम हुआ करता है. सपोज वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी वन एंड बी टू. That is V. For first cell we will take a chart. That is E1 minus I1 R1. तो यहाँ से हम I1 निकाल सकते हैं. I1 मिलेगा E1 minus V upon R1. Now for second cell, second cell भी लेके चलें. तो v v1 minus v v2 equals to v equals to e2 minus i r. यहाँ से हम लोग i2 निकाल पाएंगे. यहाँ से i1 निकालो, यहाँ से i2 निकालेंगे. i2 क्या मिलेगा? E2 minus B upon R. Is it clear? तो I1 I2 की values first में लगा दो. First equation उसमें put कर दो. I equals I1 E1 minus B upon R1 plus E2 minus B upon R2. और I equals E1 upon R1 plus E2 upon R2 minus V 1 upon R1 plus 1 upon R2. Clear? अगला कर दिया सर. I equals यहां पे LCM ले रहे हैं R1 R2 E1 R2 plus E2 R1 minus B R2 plus R1 upon R1 R2. Or V R1 plus R2 upon R1 R2 equals to E1 R2 plus E2 R1 upon R1 R2 minus I. इसको दल लेगा, इसको दल लेगा. और V equals E1 R2 plus E2 R1 R1 R2 R1 R2 upon R1 plus R2 minus I R1 R2 upon R1 plus R2. और सिंप्लीफाई कर दो. E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2 minus I R1 R2 upon R1 plus R2. अगर हम दोनों की जगह इक्विवेलेंट सेल लेके चलें तो V equals to E माइनस आई आर बने. फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को इक्वेट कर दो. जब फोर्थ और फिफ्थ को इक्वेट करेंगे तो ई क्या मिलेगा? नेट इक्विवेलेंट मिलेगा. ई इक्वल्स टू E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2. In net, EMF हो गया in parallel combination of these cells. R मिलेगा R1 R2 upon R1 plus R1. With a parallel combination of two different cells. और अब लेके चलने हम लोग identical cells.
अगर सेल आइडेंटिकल हो तब जरा देखो, और एन सेल्स लेके चल रहे हैं, देयर आर एन सेल्स, तो सीरीज एज वेल एज पैरेलल दोनों लेके चल रहे हैं। फर्स्ट इन सीरीज वी अज्यूम दैट देयर आर एन सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, आइडेंटिकल सेल्स, identical internal resistances. I the current. Series में current same रहा करते हैं तो current same रहेगी. Total internal resistance of the circuit. R plus R up to N, so this goes to NR. Series में direct add हो जाया करते हैं resistances. Total resistance. Of the circuit. आज ये बोलती है total resistance of the cell लिख सकते हैं. Total resistance of the circuit. NR plus R हो गया, होल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो गया NR plus R, नाउ टोटल EMF, सीरीज में आपको पता है एल्जेब्रिक सम हुआ करता है, सारा EMF ऐड हो जाएगा, सो इट इज N E. Now current. I goes total EMF upon total resistance NR plus R is the current in series combination. Now अगर हमें मैक्सिमम करंट निकालनी हो तो मैक्सिमम करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, आई विल बी आई मैक्स ओनली व्हेन आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एनआर, या वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस देन इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दी सेल्स करंट विल बी maximum. So I maximum will be N by R. Series combination में current maximum कब मिलेगी, जब external resistance internal resistance से बहुत बड़ा हो, R very very greater than R, N upon R, इस formula से हम लोग निकाल पाएंगे maximum current in series combination. Clear? और अब लेके चल रहे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन, आइडेंटिकल सेल्स हैं और उनको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, इन पैरेलल का EMF बराबर N सेल्स लगे हुए हैं, R इज दी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस,
I is the cutting edge. Now, total internal resistance of this cell. By R dash plus 2 1 by R and by R R dash plus 2 R by E. Now total resistance of the circuit. सर्किट का रेजिस्टेंस ये भी सारा आएगा उसका कैपिटल आर सीरीज में कनेक्टेड होगा दैट्स व्हाई आर प्लस आर बाई एन हो जाएगा तो ये मिलेगा एन आर प्लस आर बाई एन ये टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हो गया ना टोटल ईएमएफ पैरेलल में आपको पता है पोटेंशियल सेम रहता है That's why it is E only. हर एक E उतना ही रहना है. Now, current I goes E upon N R plus R by N. So I goes to Na upon Nr plus R. ये करंट का इक्वेशन आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का फॉर्मूला आ गया Ne upon Nr plus R. Now मैक्सिमम करंट के लिए दिस टाइम स्मॉल r शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R फॉर I maximum small r should be very very greater than capital R. ऐसा करते क्यों? बच्चे कहेंगे सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि उसमें आपने ये ले लिया इसमें आपने small r ले लिया ऐसे तो फिर कैसे मुझे मालूम पड़ेगा? तो थोड़ा सिंपल तरीका जानो हमें n जो न्यूमरेटर है वहां पे n कट नहीं करना है पहले वाले में देखो आप तब भी n नहीं कट करना था यहाँ पे भी n कट नहीं करना है that's why r बराबर ग्रेटर देन कैपिटल r ये याद करने का तरीका हो गया ये ठीक है फैक्टरली ये तरीका हो गया और वैसे भी जब सेल ज्यादा होंगे अगर n नहीं कटेगा तो करंट की वैल्यू ज्यादा आएगी तो फॉर मैक्सिमम r शुड बी ग्रेटर देन कैपिटल r सो i max विल बी n by r ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया सेल का अब मिक्स कर देते हैं सीरीज भी पैरेलल भी दोनों को मिक्स कर देते हैं कुछ सेल सीरीज में है कुछ पैरेलल में इस तरह कर देते हैं हमको मिक्स्ड ग्रुप कर There M rows. इस तरह की M rows and each row having N identical cells. M rows हैं और हर एक row में N cells लगे हुए हैं.
Now, total internal resistance of the cells. तो total resistance निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, तो आप देखोगे हर एक रो में कितना हो जाएगा NR. सीरीज में लगे N cells लगे हुए और एक small resistance आ रहे, तो total कितना हो जाएगा NR. तो हर एक रो का हो गया NR. फिर आपस में कैसे लगे हुए हैं? Parallel. That's why 1 upon R dash plus 2, 1 upon NR. R dash plus 2, NR by N is the total internal resistance of the cells. Now, total resistance of the circuit. Plus R, MR plus NR by M. Total EMF. जो एक रो का होगा वही सारा होगा. एक रो में कितना आ जाएगा? ME. रेखा E है up to M. Algebraic sum हुआ करता है. सारे ऐड हो जाएंगे. That's why it is ME. क्योंकि पैरल में प्रेशर सेम रहता है ना. टोटल करें टोटल करंट निकालने आई कोस एन ए को एम आर प्लस एन आर बाई एम आई कोस टू एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर MNE upon MR plus NR. This time for maximum current, MR should be equals to NR or R equals to NR by NR. MR equals to NR. It's a condition for maximum current in mixed group. Matlab, agar स्मॉल आर कैपिटल आर कंपेरेबल है, हमें यह चेक करना हो कि सर्किट किस में लगा हुआ है, स्टेटमेंट दे रखी है, बड़ा इजी तरीका है. इफ कैपिटल आर वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल आर इन गिवन न्यूमेरिकल, देन द ऑल द सेल्स विल बी कनेक्टेड इन सीरीज. इफ इन एनी न्यूमेरिकल स्मॉल आर very very greater than capital R, circuit will be in, cells will be in parallel. Or if internal resistance and external resistances are comparable, almost comparable, then the combination will be mixed group. ये तरीका होता है check करने का, समझ गए? Next video में हम लोग इसके ऊपर numericals लेके चलेंगे, grouping of cells के ऊपर. No megas leakage.